ओम शांति। मुरली का तारीख है, एक छे 2021। बाप दादा, मधुबन, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसीलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शुबाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यहाँ भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम है शिव। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र वहां सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती वहां शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु वहां डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार वहां 5 विकार है, इसीलिए गौर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वहां तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा माना, परम आत्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वहां भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वहां परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, यहां पहले नंबर का अज्ञान है। यहां पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा तोड़े ही जन्म मरण में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी में पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला या तो बताओ, तुम
तुम मात पिता किसको कहते हो या कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूं। नई दुनिया के लिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं, कहते हैं वहां भी कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि, कौन सी रात्रि? या ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है, भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। या पूज्यता अब पुजारी बना है, शुबाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शुबाबा है ऊंचते ऊंच ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शुबाबा के वारिस बने थे। शुबाबा ने स्वर्गवासी बनाया था तब उनको सब याद करते हैं। वो गार्ड रहम करो, साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वहां हम आत्मा सो परमात्मा या समझना रांग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्ण में आती है, शुबाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनायस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डिनायस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्ण का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वहां पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन या नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, या मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, या बाप पेट बच्चों को समझाते हैं भक्ति मार्ग में। फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सत्युग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचर दंता, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वहां कहां है
वहां तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यहाँ सारा जड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है। यह है रुण्य के पानी मिसाल, मृगतुष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्र में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदिया कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदिया है ना। यहाँ बच्चिया स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वहां स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कोई हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमार्टल है, उनको पार्ट भी इमार्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है। है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। वहां तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा ककपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, बल दंदा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, मात पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए
स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता बवा, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है, जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पतशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इस समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा या फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है अपना, या सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पतशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी उनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान भाग्यशाली बिल्कुल तोड़े निकलेंगे, वहां विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो तोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो तोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, या तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यहां तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यहां विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज कोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी कुल के बर्ती बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यहां अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति।